देखें, ये जो दरिया है लंदन के अंदर से गुजरता हुआ और ये इसका ब्रिज, और ये दोनों साइडों पे आपको दिखाई दे रहा है दरिया, और यहाँ ये शिपिंग के लिए जो बनाया गया सिस्टम लंदन के, शिप भी लगी है, और ये शिप नजर आते हुए आपको सामान लेके आते हैं और जाते हैं। और ये सामने ब्रिज जो कि एक बड़ी ही तकनीक के साथ बनाया गया है, और ये दरिया दूसरी ओर पे भी सामान आते जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो बनाया गया ब्रिज है ये दरिया के ऊपर से है, और इसी तरह नीचे से सुरंग बनाई गई है जो कि पानी के नीचे से गुजारी गई है। और ये दरिया जो सामने से नजर आ रहा है लंदन के अंदर से गुजरता हुआ ये जा रहा है, ये साजिद भाई आपको मैं ना इस तरीके से ड्राइविंग करते हुए नजर आ रहा है। ये देखें, ये वो ब्रिज है, और यहाँ सीन देख पाएंगे दूसरी ओर सुरंग के अंदर से गुजरती हुई गाड़ियों का, जो कि राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रही है, दो सुरंगे उनके अंदर से गुजर रही है। यहाँ से कैंट का एरिया स्टार्ट हो जाता है, और इस साइड पे है कैंट। कैंट बेसिकली हमारे यहाँ तो कैंट को बहुत ही ऊंचा नाम दिया जाता है, मगर यहाँ डिफरेंट एरिया है, एरिया का नाम की तरह नाम ही बनाया जाता है, तो इतना सब कौंसल सब चीज़ें सेम ही है। तो ये एरिया जो है वो कैंट है, घर एक जैसे हैं, सारी चीज़ें एक जैसी हैं। यहाँ पे दूसरी ओर से ये सुरंग के अंदर से जाती हुई गाड़ियाँ, ट्रक, कारें सब, और यहाँ पे लगाया हुआ है टैक्स, और ये कैंट का साइन आ गया सामने, ये कैंट अभी आपको बता रहा था मैं, काउंटी है ना कैंट, एसेक्स काउंटी, ये काउंटियों की तरतीब दी हुई है यहाँ पे इंग्लैंड में, तो ये काउंटी कैंट स्टार्ट हो चुकी है। कैंट की टीम क्रिकेट की भी है, फुटबॉल की भी है, इसी तरह एसेक्स की भी है जिसमें अजहर महमूद खेल चुके हैं। तो ये जो काउंटियाँ हैं ये बेसिकली जो क्रिकेट या दूसरी चीज़ें फुटबॉल वो प्लेयरों को आमदनी का जरिया भी बनती है कि प्लेयर यहाँ पे खेलते हैं, अपनी वेजेस लेते हैं, तो इंटरनेशनल तौर पे खेलने से प्लेयर के अंदर वो एबिलिटी पैदा होती है जो मैच को दिलचस्प बनाने में काम आती है और कोचिंग करने में काम आती है। तो इसी तरह हम जब इंटरनेशनल सिटीज़ में रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। राइट हैंड साइड पे ट्रैफिक काफ़ी हद ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ ट्रेलर्स जो हैं फ्रांस से भी आते हैं, क्योंकि डोवर यहाँ से 45 मिनट दूर है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये डोवर का आपको साइन नज़र आ रहा है। तो फ्रांस से आने वाले ट्रेलर और सामान जो ज़मीनी रास्ते से आता है वो यहाँ से ही आता है। ये देखें, ये सारे कंटेनर्स ट्रॉले सारे भरे हुए हैं जैसे आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह।